हाय एवरीवन, वेलकम टू इंफानेट। आज की इस वीडियो उस पर्सन के लिए है जो ग्राफिक्स कार्ड का एक्चुअली यूज करता है, यानी कि जो ग्राफिक्स कार्ड के मदद से गेम खेलते हैं और माइनिंग करते हैं। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे ग्राफिक्स कार्ड को मेंटेनेंस जो करना है वो कैसे करना है, और ग्राफिक्स कार्ड को एक रेगुलर शेड्यूल में अगर आप मेंटेन करते हैं तो इसमें आपका जो ग्राफिक्स कार्ड का परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज करेगी और जो ग्राफिक्स कार्ड का लाइफ है वो भी इंक्रीज करेगी। तो चलिए इस वीडियो में कंप्लीट जानते हैं ग्राफिक्स कार्ड का सर्विसिंग जो है कैसे करना है। तो ये गीगाबाइट की कार्ड है और इसका जो कंडीशन है अभी, इसको हम मेंटेनेंस मोड में लेके गए हैं, इसको अभी सर्विस करेंगे क्योंकि डस्ट इसको पूरा फिल कर दिया है। तो अभी इसको क्लीन करना है, तो इसको अभी हम क्लीन करेंगे और चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले आपको ये ऊपर का जो पोर्शन है इसको रिमूव करना होगा। तो इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर दो स्क्रू लगी हुई है, 1-2, एंड यहाँ पर दो स्क्रू लगी हुई है, 1-2। चार स्क्रू आपको निकालना है और ये फैन का जो कनेक्टर पिन है, ये फैन का कनेक्टर पिन है, इसको भी आपको निकालना है। तो ये चार स्क्रू निकालने के बाद हम इसको ओपन कर पाएंगे। तो सबसे पहले चार स्क्रू ओपन करते हैं। पर दो लॉक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दोनों लॉक को ओपन करेंगे, ये दोनों लॉक ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जो कनेक्टर है इसको ओपन करना है केयरफुली, ठीक है। सो ये जो कनेक्टर है इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब ये आपका फैन जो है बाहर निकल चुका है, आप देख पा रहे हैं कि फैन का स्थिति क्या है और फैन में डस्ट कितना है, इतना सारा डस्ट फैन में रखा हुआ है। अभी हम आगे इसको पहले क्लीन करेंगे, इसका डस्ट आपको दिख नहीं रहा है, अब देखिए इसका डस्ट का स्थिति, ठीक है। यहाँ पर ये जो डस्ट लगी हुई है इसको क्लीन करना है, और ये डिपेंड करता है आपका, अगर जिग माइनिंग अगर कंटिन्यूस चलता है तो इसको आपको महीने में एक बार करना ही होगा, अदरवाइज आपका ग्राफिक्स कार्ड जो है उसका लाइफ जो है ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अंदर में कितना डस्ट है। सो अभी हम अंदर पोर्शन नहीं जाने वाले हैं क्योंकि उतना भी ख़राब स्थिति नहीं हुआ कार्ड्स का, तो अभी हम बाहर ही इसको क्लीन करेंगे। इसके बाद ब्लोअर की मदद से हम इसको क्लीन करेंगे। इसको ब्लोअर की मदद से हम इसको क्लीन करेंगे। एक पार्ट हो गया, अब नेक्स्ट आते हैं फैन को रिमूव करना। सर रियर पोर्शन भी अब चाहे तो खोल सकते हैं लेकिन फिलहाल अब इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, बाद में हम इसको खोलेंगे। तो अभी जो है ये सारे स्क्रूज को हम निकालेंगे और उसके बाद फैन को।
सो सारे स्क्रू जो है निकल चुके हैं और फैन को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। फैन को रिमूव करने के लिए इसको कनेक्टर जो है इसको ओपन करना है, यहाँ से इसको ओपन कर दें यहाँ से, और ये कनेक्टर है इसको जस्ट यहाँ से स्क्रू करके ओपन कर देना है, और इसके लॉक के बारे से इसको निकाल के इसको आप इजीली निकाल सकते हैं। शायद यहाँ पर एक स्क्रू छूट गई है, देखिए ग्राफिक्स कार्ड का अंदर का हालत क्या है। तो इसको अभी सबसे पहले क्लीन करना है, इसको क्लीन करेंगे। इससे क्या होता है, फैन का ब्लेड जो है उसका वेट बढ़ जाता है और उसके कारण है परफॉर्मेंस में इशू आ जाता है। देखिए यहाँ पर ये तीन ब्लेड मैंने क्लीन किया और बाकी ब्लेड की स्थिति देखिए। अभी मैं ये तीन ब्लेड को जो है क्लीन किया मैंने, ठीक है। ये वाला ब्लेड को देखिए मैं क्लीन कर रहा हूँ, देखिए हालत क्या है। तो ऐसा करके सारे ब्लेड्स को जो है क्लीन करना है। तो हमने ब्लेड और बॉडी दोनों क्लीन कर लिया, अब इसको फिर से फिटिंग करेंगे। इसको फिर से फिटिंग करने के लिए हमको जो करना क्या है, चार स्क्रूज छह स्क्रूज जो कि ब्लेड में लगने वाली है। ये नॉर्मली मेरा ये फिटिंग्स था ऐसा, और इसका जो कनेक्टर है इधर, मतलब ये वाला जो लगेगा ये इधर लगने वाला है, ठीक है ना। तो इसको हम इधर लगाएंगे, इधर लगाने के लिए इसको इसको इधर से निकालते हुए हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। तो हमने एक फ़ैन जो है इंस्टॉल कर लिए हैं, अभी दूसरा फ़ैन इंस्टॉल करना है। दूसरा फ़ैन को भी सेम प्रोसेस में हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इसके साथ ऐसा ही फिटिंग करना है, फिर इसको
इस वीडियो में हमने जो अपना ग्राफिक्स कार्ड था उसका जो मेंटेनेंस है वो कंप्लीट किए हैं, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो अगर अच्छा लगता है इसको लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और नेक्स्ट वीडियो रहेगा माइनिंग के ऊपर, जो लोग ग्राफिक्स कार्ड का एक्चुअल यूज माइनिंग के लिए करते हैं उन लोगों के लिए उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो बहुत जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें। 400 प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू वेरी मच। ये गीगावाइट की कार्ड है और इसका जो